सोपोर में आयोजित हुई डीएफए फुटबॉल लीग 2023 टूर्नामेंट में मूसा फुटबॉल क्लब ने जीत हासिल कर डीएफए फुटबॉल लीग 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। खुशहाल स्टेडियम सोपोर में डीएफए फुटबॉल लीग 2023 टूर्नामेंट के खेले गए मैच में मूसा फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन किया और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को इलाके के गणमान्य लोग दोनों टीमों द्वारा खेले गए फुटबॉल मैच को देखकर रोमांचित हुए। डीएफए फुटबॉल लीग 2023 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि आर्को सीमेंट के एमडी जावेद अहमद और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष इम्तियाज अहमद भट्ट ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए और उनकी खेल प्रतिभा की सराहना की। कि हमारा एक ही स्लोगन है, से नो ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स। उसी हवाले जो आज हमारा लीग का जो डीएफए सोपोर का फाइनल था, जो बाबराजा और मूसा ब्लू के दरमियान था, जो मूसा ब्लूज ने 2 गोल से जीता, हम शुक्रगुजार हैं सब मेहमानों के, जो मेहमान यहाँ से हमारे श्रीनगर से आए थे, कैफाज अहमद सोफी और उसकी टीम जो आई थी यहाँ पे, हम उनके तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर जो मेरा सोपोर प्यारा सा सोपोर 1,10,000 लोग यहाँ पे रहते, मैं उनकी तरफ से जो बारामूला से हजरात हमारे मेहमान यहाँ आए थे या श्रीनगर से सब हजरात आए थे, एक एक का नाम मैं नहीं ले सकूँगा, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो हमारा ये दावतनामा जो आज का था, जो हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से स्टार्ट हो गया, जो आज लीग का फाइनल था, इंशाल्लाह रहमान चंद दिनों में मैं आप देखोगे इंडस्ट्रीज कप का फाइनल होगा, और उसके साथ ही जो हमारा यहाँ सूफी एक बड़ा सन्नत है रहीम साहब सोपोरी के नाम पे, जो हम टूर्नामेंट चलाते हैं रहीम साहब के नाम पे, उसका 34th इंशाल्लाह रहमान फाइनल होगा। साथ ही साथ इंशाल्लाह रहमान हम सोपोर के लोग तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और सारे कश्मीर तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि से लोकप्रिय रक्स।